लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुजारी जी, यहाँ भगवान बद्रीनारायण की प्रतिमा नहीं है। बिना प्रतिमा के ये देवालय कैसा? बिना विग्रह के ही पूजा हो रही है बालक, इसमें आश्चर्य कैसा? ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बिना विग्रह के मंदिर का कहीं कोई विधान नहीं है, किसी भी शास्त्र में अनुमति भी नहीं है। तुम्हारी अवस्था अत्यंत कम है बालक, और तुम तो विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो। मंदिर में प्रतिमा नहीं है तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? पुजारी जी विग्रह का अनुसंधान करें, यदि वह नहीं मिलता तो नई प्रतिमा की रचना की जाए। यदि आप दोनों नहीं खोज सकते तो मुझे बताइए, मैं ढूंढ लेता हूँ। क्योंकि बिना विग्रह के मंदिर बिल्कुल उसी तरह लगता है जैसे बिना प्राण के शरीर लगता है। खोज करना हमारे वश में नहीं है बालक। आतताइयों ने विग्रह को उठाकर सामने नारद कुंड में फेंक दिया। हम लोगों ने कई बार प्रयत्न किए परंतु कोई सफलता नहीं मिली। एक प्रयत्न मुझे भी कर लेना चाहिए। ऐसा दुस्साहस कर मत लेना सन्यासी। कुंड बहुत गहरा और दुरूह है, उसका संबंध अलकनंदा नदी से है। जो भी उतरा वो वापस नहीं आया बालक। मैंने भी कहा था पंडित जी से। अरे ये बालक, इसे मैं उसका क्या करूं? माना नहीं हुआ क्या? जा रहे हैं बालक ने तो ये प्रतिमा तो खंडित है, इसकी प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। अरे दूसरी मूर्ति, अरे ये भी खंडित है, इसे भी प्रवाहित कर देना चाहिए। कोई साधारण बालक नहीं लगता। ओहो, ये भी खंडित। फिर प्रयास करना पड़ेगा। हट ना करो आचार्य, तुम एक ही प्रतिमा को बार बार गंगा में प्रवाहित कर रहे हो, यही वास्तविक है। मंदिर में इसी की स्थापना करो। कली काल में भगवान बद्री विशाल की इस प्रतिमा का अर्चन होगा। स्थापना के साथ विग्रह का पूजा विधान भी तुम्हें ही निर्धारित करना है। नारायण नारायण, नारायण नारायण। नारा
प्रणाम। महात्मन, प्रणाम का अधिकार तो मेरा है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कोई अनधिकार चेष्टा नहीं की है। भगवान विष्णु के इस धाम में वर्षों से खंडित हुई पूजा और परंपरा को फिर से स्थापित करने वाले भगवान भगवत पाद के शिष्य को मैं तो क्या ये चराचर जगत प्रणाम करेगा। मैं आपसे एक अनुरोध करने आया हूं आचार्य, आप यहां से हटकर एक मठ की स्थापना करें, वहां अपने प्रतिनिधि को पदासीन करें और उसे वैदिक धर्म के अध्ययन तथा प्रचार का दायित्व सौंपे। मठ इसी स्थान पर क्यों ना बनाया जाए महात्मन? वर्षा और शीत ऋतु में यहाँ वीरान हो जाता है आचार्य, इसलिए मठ यहाँ से कुछ दूर ऐसे स्थान पर बनना चाहिए जहाँ संपूर्ण वर्ष अध्ययन अध्यापन तथा तप साधन किया जा सके। आपका निर्देश तो भगवान विष्णु की स्फूर्णा है पूज्यवर। ज्योतिर्मठ में रहते हुए इस क्षेत्र में धर्म रक्षण का दायित्व तुम संभालोगे तोटक। चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना का संकल्प है, वहाँ की परंपरा और व्यवस्था अपने अपने क्षेत्रों में वैदिक धर्म का प्रचार करेगी और लोकमानस में धर्म भावना जागृत रखेगी। गुरुदेव, कुछ कहना चाहते हो? एक वृद्ध विद्वान आपसे मिलने का हट करते हुए आए हैं, उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आइए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, हमने आपके शिष्य से निवेदन किया है कि यदि आपके गुरुदेव हमारे बताए एक सूत्र का अर्थ बता देंगे तो हमें अति प्रसन्नता होगी। आदेश करें, मैं सूत्रों के अर्थ जानने का अभिमान तो नहीं करता, लेकिन आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका अर्थ बताने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। सूत्र ये है, तदंतर प्रतिपतौ राहति संपरिष्य कलह प्रश्न निरूपणाख्याम। इसका आशय बताएं प्रभु। शरीर के क्षीण होने पर जब जीव दूसरे देह को प्राप्त होता है तब वह पंचभूतों के सूक्ष्म अवयवों से युक्त होकर दूसरे स्थान पर जाता है। इस अर्थ का प्रमाण क्या है? छांदोग्य उपनिषद में जेबली और गौतम का संवाद प्रमाण है। गायत्री क्या है? स्थावर जंगम जो भी वर्ग है सब गायत्री ही है। निश्चय ही सब स्थावर जंगम प्राणीवर गायत्री ही है। वाणी ही गायत्री है और वाणी ही सब प्राणी है। वाणी रूप गायत्री भूतों की रक्षा भी करती है। ये वो चार चरणों वाली गायत्री है जिसके एक एक चरण में छह छह अक्षर है। वृद्ध ब्राह्मण और शंकराचार्य में ये संवाद 7 दिन चला। शंकराचार्य ने ब्राह्मण के सभी प्रश्नों का समाधान किया। 7वें दिन वृद्ध ब्राह्मण अपने यथार्थ रूप में प्रकट हुए। वे भगवान वेद व्यास थे। भगवान वेद व्यास को प्रणाम करता हूँ। संवाद के समय कई बिंदुओं पर प्रतीत हो रहा था कि ब्राह्मण देव विलक्षण विभूति है। तुम्हारा विद्या विस्तार का कार्य लगभग पूर्ण हुआ, अब धर्मराज की स्थापना शेष है, वो संपन्न करो। किंतु भगवान शंकर की दी हुई तुम्हारी 16 वर्ष की आयु अब समाप्त होती है। मैं तपोबल से उसमें 16 वर्ष की वृद्धि और करता हूं। इस अवधि में तुम्हें कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, सुधन्वा, हस्तामलक आदि विभूतिवान व्यक्ति मिलेंगे जो तुम्हारे कार्यों में सहायक बनेंगे। इस यात्रा में कई चमत्कारिक घटनाएं भी हुईं। विरोधियों ने उनकी हत्या के प्रयास किए, उस समय विलक्षण ढंग से उनकी रक्षा हुई। यात्रा के बीच ही उस समय के प्रसिद्ध कर्मकांडी विद्वान मंडन मिश्र से भी उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला,
मंडन मिश्र ने पराजय मान ली, लेकिन उनकी पत्नी शारदा ने कहा कि मैं अर्धांगिनी हूँ, मुझे पराजित किए बिना आपकी जीत अधूरी है। आचार्य शंकर ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया। शारदा ने शास्त्रार्थ में कामुकता के संबंध में प्रश्न पूछे। शंकर बाल ब्रह्मचारी थे, उन्हें इस विषय में कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने कुछ समय मांगा और एक दिवंगत राजा अमरूप के शरीर में प्रवेश कर इस विषय में ज्ञान प्राप्त किया और तब शारदा से शास्त्रार्थ के लिए सभा में पहुंचे। देवी, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूँ, प्रश्न कीजिए। अब इसकी आवश्यकता नहीं रही गुरुवर, मुझे ज्ञात है कि आप सन्यासी के लिए वर्जित विषय में भी अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। देवी, यदि आप अर्धांगिनी के रूप में अपने पति मंडन मिश्र के लिए शास्त्रार्थ नहीं करेंगी तो निर्णय दीजिए। चर्चा है कि आचार्य ने अमरुक नामक राजा के शरीर में गुप्त विद्या से प्रवेश कर इस विषय में व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त की। गुप्त विद्या से? हाँ। वो कैसे? अमरुक की मृत्यु हो चुकी थी, उसका शरीर निश्चेष्ट पड़ा था। आचार्य ने एक मास तक निवास किया। ओ। निर्णय यही है मान्यवर कि आप विजयी हुए। श्रीमद् भगवत शंकर की जय। श्रीमद् भगवत शंकर की जय। श्रीमद् भगवत शंकर की जय। आचार्य, मैं आपको सन्यास धर्म में दीक्षित करूंगा। कालांतर में आप दक्षिणी क्षेत्र के श्रृंगेरी मठ का दायित्व ग्रहण करेंगे। आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है पूज्यवर। मुझे कृपया आज्ञा दीजिए। माते शंकर, 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 शंकर। माँ, शंकर, माँ, शंकर, शंकर, तू आ गया बेटा। हाँ माँ, तूने वचनबद्ध किया था ना मुझे, इसीलिए मैं आ गया। वो तो मैं मोह के वशीभूत हो गई थी बेटा, मुझे बाद में बोध हुआ कि मैं तेरे सन्यास के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही हूँ। नहीं माँ, बाधा नहीं, तूने उस धर्म के निर्वाह में सहायता की है। माँ, तेरे ऋण से मुक्त हुए बिना मैं सन्यासी भी नहीं बन सकता था। तूने मुझे वचनबद्ध करके ऋण मुक्त होने का अवसर दिया है। हाँ माँ। वो सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता बेटा, मैंने तुझे मोक्ष की कामना से यहाँ बुलाया है। बेटा, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करा दे। हाँ माँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मेरे लिए क्या आदेश है माँ? बेटा, मुझे अभी तक गुरु मंत्र नहीं मिला है, मैं निगुरा नहीं बनना चाहती बेटा। मुझे गुरु दीक्षा दे दे बेटा, गुरु मंत्र सिखा दे। जो आज्ञा माते। ओम भूर्भुवस्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आश्चर्य का विषय है ये, इस गांव से कोई भी व्यक्ति अंतिम संस्कार में सम्मिलित ही नहीं हुआ। उनका विरोध है, वे किसी सन्यासी के लौकिक धर्म निभाने से नहीं आचार्य से रुष्ट हैं। आश्चर्य की बात है ये, जिस व्यक्ति के कारण इस ग्राम को सारे देश में मान सम्मान मिला वहीं उसके प्रति इतना वैर है। शंकराचार्य ने निरंतर यात्रा की, देश के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना की। पूर्व में जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी शारदा मठ, उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी रामेश्वर के पास। इन चार मठों में उन्होंने अपने चार प्रमुख शिष्यों को पदासीन किया, उन्हें शंकराचार्य के नाम से जाना गया। ये शिष्य परम्परा आज भी प्रचलित है। यात्रा में रहते हुए ही आचार्य शंकर ने भाष्य, स्तोत्र, प्रकरण और तंत्र आदि प्रकार के ग्रंथों की रचना की। भाष्य ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद आदि मुख्य हैं। शिष्यों, मेरा कार्य समाप्त हुआ, आयु भी पूर्ण हुई, अब मेरा अनुगमन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग लौट जाइए। अब भी आपकी आयु ही क्या है गुरुदेव, और हम लोगों की क्षमता ही क्या है, हमें अभी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गुरुदेव, मैं अब आप लोगों को कोई उपदेश नहीं दूंगा। गुरुदेव, आपके चले जाने के बाद हमें उपदेश कौन देगा? भगवान वेद व्यास की आज्ञा से प्रस्थान्तरे भाष्य दिए जा चुके हैं, आप लोग वहीं से प्रकाश ग्रहण करेंगे। जब कोई दुविधा हुई तो अंतःकरण स्थित ईश्वर की शरण लेना, समाधान वहीं मिल जाएगा। सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के उद्धार के लिए आई महाकाल की अवतारी चेतना अपना कार्य पूरा होने के बाद अपने लोक में प्रस्थान कर गई। महाकाल का आविर्भूत अंश महाकाल में ही समा गया।